तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक है थ्रोन ब्रेकर डिफिकल्टी का अक्टूबर का चैप्टर 1.1 का वीडियो। जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट्स सी, देखते हैं हमको यहाँ पे बॉस फाइट जो है क्रेवन के साथ है, तो किटी प्राइड इसके लिए बेस्ट रहेगी। हमें क्या टीम लेके जानी है एक बार ट्राई करके देख ले, क्या मतलब एक बार लोकल नोट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं हमें क्या टीम। ओके, म्यूटेंट अटैकर टीम लानी है जो रीजन करेगा। अरे ठीक है यार, पता चल गया, म्यूटेंट अटैकर लाने हमें। यहाँ से किटी प्राइड जाएगी हमारी भाई, एंड ये जाएगा हमारा भाई, ये जाएगा एक और भाई जाएगा यहाँ पे। एंड क्रेवन के लिए तो किटी प्राइड ही बेस्ट है, बाकी म्यूटेंट में अगर देखा जाए और कौन है मेरे पास। अरे भाई ये भाई तो रह ही गया था हमारे पास। चलो बिशप है एंड आई थिंक इतने से काम हो जाएगा शायद से। क्रेवन को मार दूंगा मैं इतने, हाँ यार हो जाएगा काम। चलो स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं क्वेस्ट को एंड लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पाथ हम लेंगे। ओके ये वाला बीच वाला पाथ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेस्ट। ओके लोकल नोड गया है बॉस पे, वेंडर अटैकर रीचेज दो बार ऑफ पावर। जब भी हमको मिलेगा इसे, जब हम दो बार ऑफ पावर पे पहुंचेंगे इसे पावर गेन मिलेगा, जो कि इसका पावर गेन करेगा 100%। जब भी हम रूटेड होंगे हमारा 2 सेकंड के लिए स्पेशल लॉक हो जाएगा, और जब भी हम पावर बार बनाएंगे हमें पावर स्ट्रिंग मिलेगा 6 सेकंड के लिए, मतलब हमें इमीडिएटली स्पेशल नहीं छोड़ सकते। स्पेशल वन स्पेशल टू, अगर हम उसकी रेंज में रह के उसने छोड़ दिया ना स्पेशल वन स्पेशल टू और उसकी रेंज में हुए ना, तो हम रूटेड हो जाएंगे, मतलब हमें दूर रहना पड़ेगा उससे जब भी वो अपने स्पेशल छोड़ेगा। लोकल नोड क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं। हमें रीजन करना होगा ताकि हमें पैसिव फ्यूरी मिलते चले जाए। एवरी 20 सेकंड में द अटैकर इज इन्फ्लेक्ट। ओके हर 20 सेकंड में हमारा पावर लॉक स्पेशल लॉक होगा 6 सेकंड के लिए। बाकी चांस पैसिव रीजन, ओके 90%, ओके दे हैव 20% चांस। ओके दिस विल नॉट ट्रिगर इफ द डिफेंडर रीजनरेशन इज इनवेटेड और इफ द अटैकर इज अंडर द इफेक्ट ऑफ। ओके रीजनरेशन रखते रखते हमें स्पेशल छोड़ने होंगे अपने। पहली फाइट हमारी कैसी लैंग है ना, यहाँ कैसी लैंग से फाइट है, लेट्स ट्राई विद हर। इसको मारने का ट्राई करते हैं। आई थिंक किटी ब्राइड को लेके जाऊँ क्या, लेट्स ट्राई। किटी ब्राइड जो है वो इवेड करती है, हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा, बाकी तो कोई नहीं है। ओके ये हमने दिया है अभी एक, ओके मैं चाह रहा हूं इंटरसेप्ट हो लेकिन सिद्धि है बहुत वो। ओके मेरे ख्याल बिशप बहुत सही काम करेगा यहाँ पे क्योंकि वो बार बार रीजन करता है, देख रहे हो आप लोग कितना रीजन कर रही है वो। देखो मैं यार मेरे को टेंशन नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ आराम से स्पेशल, मैं सोच रहा था चलो कोई नहीं। ये दिया एक हैवी एंड नाइस डैमेज। चलो चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। तो ये फाइट है केट बिशप से। अब केट बिशप को हम पैरी तो कर नहीं सकते, हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट ही खेलना होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके एंड कोशिश ये करूंगा कि इसका स्पेशल वन ही स्पैम करवाते रहूं क्योंकि स्पेशल वन ही हम आराम से डेक्स कर सकते हैं, स्पेशल टू तो फिर पिट जाएंगे हम भाई। ओके 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 कंज्यूम हो गया यहाँ पे हमारा प्रोविस, कोई बात नहीं कब तक बचेगी। नहीं नहीं स्पेशल वन फैक पहले तू। ओके ब्लॉक डैमेज पड़ गया यार। ओके शिट मैन इसने, ओके ये पड़ा यहाँ पे एक स्पेशल टू एंड गेम ओवर। बड़ा अच्छा खासा डैमेज पड़ा यार। डोमिनो से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ओके क्रिट फेलियर तो हम दे रहे हैं इसको अच्छा खासा। ओके चलो अनलक्की भी हुआ ये। भाई क्या कर रहा है, चलना भाई जल्दी करना स्पेशल छोड़ना।
से अब फायदा नहीं है स्पेशल मार के यार। ओके हम यहाँ पे अपना रैलिक यूज कर सकते हैं ताकि एक और कॉम्बो मार सके हम। ओके नाइस। ओके जल्दी से स्पेशल टू पे चलते हैं ताकि एक और स्पेशल फेंक सके। अरे यार लॉक हो गया भाई। अरे यार गया ना अनलकी पूरा सारा। ये भी अभी अनलॉक होना था क्या? लॉक होना था क्या? एक मिनट भाई एक फ्यूरी मिल गया मुझे। ओके चलो ये फाइट हमने काफी इजीली बेसिक फाइट से ही जीत लिया। चलो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। अरे डे डेविल हेल किचन यार इसके लिए मैं बिशप लेके जाऊंगा भाई। मेरे को सिरदर्दी नहीं चाहिए इसकी यार। ये बहुत ज्यादा ये कुत्ता बड़ा कमीना बंदा है यार। ये बहुत प्यूरीफाई करता है बंदा यार। मुझे इसकी सिरदर्दी नहीं चाहिए भाई। बाढ़ में जाए ये। मैं पहले फ्यूरीज गेन करता हूँ उसके बाद सीधे स्पेशल टू मारूंगा साले को। ओके मेरी तो ऐसी की तैसी है। पांच फ्यूरी आ चुकी है। ओके स्पेशल टू पे पुश करो बहुत बढ़िया रहेगा। स्पेशल टू पे ज्यादा हिट्स भी नहीं मारता ये। टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा आपका। अरे भाई छोड़ दे स्पेशल छोड़ भाई। मेरा पावर लॉक होने वाला है यार फिर से। नहीं मानेगा आप छोड़ेगा देखना। अब छोड़ेगा ये। अबे छोड़ दे। नहीं अभी भी नहीं छोड़ रहा। अब छोड़ा। अबे यार दे देते स्पेशल स्कोर को। मर गया चलो। ओके नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं। तो ये फाइट है मैग्नेटो के साथ में। हम सनस्पॉट ट्राई करते हैं। अबे यार मैं कॉम्बो क्यों मार रहा हूं। ओके ये दिया हमने स्पेशल वन। चलते हैं स्पेशल टू पे। हमारे पास फ्यूरी है एक वैसे। भाई साहब ये मारने ही नहीं दे रहा स्पेशल टू। ओके स्पेशल टू पे पहुंच गए। ये दिया स्पेशल टू। आई थिंक एक और फ्यूरी मिल गया। अरे दो फ्यूरी मिल गई। एंड आई थिंक ये गेम ओवर है। ओके चलो अगली फाइट पे चलते हैं। ओके थॉर रैग्नारॉक से फाइट है। ठीक है भाई तेरे को भी पकड़ के मारूंगा। ये किया हैवी लोड एंड ठीक है बैंग ऑन। एंड एक और मीडियम लाइट मीडियम का कॉम्बो एंड एक स्पेशल वन। आई थिंक मुझे लगा था स्पेशल वो फ्यूरी मिलेगा लेकिन नहीं। ओके ठीक है। ओके ये दिया स्पेशल एक फ्यूरी मिल गया। दो फ्यूरी मिल गया एक्चुअली। बहुत बढ़िया। ओके ये दिया हैवी हमने लोड एंड आई थिंक मेरे को लगा था मर गया लेकिन एट अब जाके मरा ये। तो फाइट है क्रेवन के साथ में। हमें इससे दूर रहना पड़ेगा जब भी अपने स्पेशल छोड़ेगा। और दिक्कत की बात यह है कि जब भी हम स्पेशल टू पे पहुंच जाएंगे इसको पावर गेन मिलेगा। तो जब हमारा स्पेशल टू होगा हमें कोशिश करनी है ये स्पेशल टू से नीचे हो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। अरे यार इंटरसेप्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ नहीं मान रहा है। ओके कोई बात नहीं पावर्स कंज्यूम हो गया है यहाँ पे। ओके ओ नो। स्पेशल छोड़ दे भाई मेरे छोड़ स्पेशल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच गया भाई।
पे ये दिया हमने स्पेशल टू एंड बैंग ऑन एंड एक और पूरा कॉम्बो ये दिया हमने यहाँ पे रैलिक अपना एंड गेम ओवर। एक स्पेशल टू में काम खत्म इसका। ओके फाइनली हमने चैप्टर 1.1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थ्रोन ब्रेकर डिफिकल्टी का इजी था, बहुत इजी था। हमारे पास किटी प्राइड थी रैंक 5 की एंड हमारे पास बहुत सारे म्यूटेंट के अच्छे चैंपियन थे। अगर मुझे दिक्कत आएगी तो साइंस वाले में आएगी, क्योंकि जहाँ पे साइंस यूज करना होगा वहाँ दिक्कत आएगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको, ज्यादा से ज्यादा कमेंट ठोको भाई, अपनी भाई की वीडियो को वायरल करो यार। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ज्यादा हमारा मेरी वीडियो को वायरल करेगा यूट्यूब। तो आप लोगों की मदद बिल्कुल चाहिए यार। एंटरटेनमेंट मैं कर रहा हूँ, आप लोग मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी यार। एंड जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।